हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की डेट है 27th of August और आज का दिन है सैटरडे। तो आज का, चलिए हम लोग न्यूज़पेपर शुरू करते हैं, पर उसके पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, टैक्स चोरी, आयकर विभाग का फोकस कि अब विदेशी संपत्ति ऑनलाइन गेमिंग पर। राइट, सो जो ऑनलाइन गेमिंग के जो चैनल्स हैं, जो ऐप है, और जो क्रिप्टो करेंसी के जो ऐप्स है, जैसे अभी रिसेंटली जो कॉइन कुबेर करके कोई एक ऐप है, कुबेर, तो उसके ऊपर भी अब जो ईडी है और जो टैक्स कंपनी है, ये लोग नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल, अब ईडी इस समय बहुत चौकन्ना हो रहे हैं, सबको चौकन्ना कर रहे हैं, बस बहुत हो गया। एशिया प्रशांत के टॉप टेक शहरों में बेंगलोर दूसरा स्थान पे है। सो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज है वो बेंगलोर में बहुत ज्यादा है, बोला ही जाता है कि आईआईटी शहर है। हाँ, राइट। और जो पहला स्थान है वो बीजिंग को है, पर हम चाहेंगे कि पहला स्थान भी भारत को ही आए, दूसरा भी भारत को आए। तो जल्दी से जल्दी हमारे जो आज के स्टूडेंट हैं उस पे काम करें, जो स्टार्टअप वाले हैं। बिल्कुल, यूक्रेन रूस से खाद्यान्न संकट नहीं और दुनिया भर में खाद्य कीमतों में गिरावट। तो बोल रहे थे जो कि महंगाई बढ़ रही है बिकॉज ऑफ वॉर, बट अब ये हो गया है कि वहां से जो एक्सपोर्ट है वो चालू हो गया है लोगों के पास, और अब धीरे धीरे शायद तक इन्फ्लेशन भी कम होगा, जो खाने पीने की सामग्री थी वो शायद धीरे धीरे सस्ती होगी। लोगों को बहुत महंगा जो लग रहा था, है ना, अब वो सस्ती होगी। जरूरी भी है, खाने वाली चीजें हैं जिससे दुनिया चलती है, तो वो तो सस्ती होनी ही चाहिए। सो अमेरिका में भेदभाव का असर इतना है कि यूक्रेनियों को बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है, और वहीं अफगानी वहां पे भटक रहे हैं, और वही अफगानी जो पिछले 20 साल से अमेरिकों की मदद कर रहे थे, अमेरिका लोगों की, उनको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए वो मदद भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि हम अमेरिका चले जाएंगे, वहां पे अच्छी जिंदगी जिएंगे, तो उनको वीजा वीजा नहीं मिल रहा, रहे आओ तालिबान के अंदर। अमेरिका का सपना छोड़ दो आप, नहीं मिलेगा। चीन को पछाड़ कर दुनिया का दूसरा बड़ा स्मार्ट वॉच मार्केट बना भारत, उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा इसका बाजार है। तो आजकल आप सभी की घातों में स्मार्ट वॉच देख सकेंगे, वो डिस्प्ले वाली जो वॉच होती है। मज़ेदार की बात यह है कि डिस्प्ले सबके में होता है, पर कभी कभी वो 50-60 रुपए वाली भी होती है। पुराने जमाने में डिजिटल वॉच भी ऐसी मेला में मिल जाती थी। तो हर वॉच जो आपको डिस्प्ले दिखता है जैसा काला काला, जरूरी नहीं है वो स्मार्ट वॉच हो। सही बात है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया ही है कि महंगाई कम होने के, तो महंगाई कम होने से अक्टूबर से मार्च के बीच बढ़ेगा FMCG कंपनियों का मुनाफा। जो जैसे अपने जो डेली न्यूज़ के प्रोडक्ट काम में आते हैं वो अभी अब सस्ते होने लगे हैं, और कंपनियों का उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर रोज़ की चीज़ें सस्ती हो रही हैं तो स्वाभाविक ही कंपनियों का मुनाफा होना भी ज़रूरी है। तो FMCG का फुलफॉर्म में यहाँ पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब वही जो जैसे बताया मदर ने कि जो रोज़ की चीज़ों जो इस्तेमाल होती है वो वाली कंपनियाँ जो बनाती हैं। तो एशिया में हाल ये देखा जा रहा है कि विदेशी निवेशकों का 76% निवेश जो है वो अकेले भारत में है। सो भारत जो है वो बहुत बड़ी सबसे पहली पसंद बन के आ रहा है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं ये एज मिलता है भारत को कि भारत अगर एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहा हो फिर भी हमारे यहाँ कंजप्शन इतना है कि हम लोग खुद ही डिपेंडेंट है और हम लोग खुद ही इकोनॉमी ऊपर उठा सकते हैं। इसीलिए भारत में बहुत ही कम होता है कि रिसेशन या फिर डिप्रेशन का आपको सुनने में आए। जैसे ऑनलाइन खाना बनाने वाले जरा सावधान हो जाइए, रेस्टोरेंट्स ने स्विगी और जोमेटो पे 10-60% तक दाम बढ़ा दिए हैं, महंगाई कर दी है। देख के अभी बोल रहे हैं महंगाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ा रहे हैं, बताइए क्या दोगला बने ये। सो भोपाल के वन्य प्रेमियों के लिए एक खबर है कि अक्टूबर 1 में वन विहार आएगी, NTCA की टीम फिर से अब अपना भोपाल फिर से खूबसूरत शहर बनने जा रहा है। वन विहार चूंकि हम लोग के लिए घूमने का स्थान है, तो और उसको अच्छे से निखारा जा रहा है ताकि सब लोग आए, पर्यटन लोग, और इसका मजा लें और मौज मस्ती करें भोपाल में। वाह, क्या बात है। तो वन विहार भोपाल का एक नेशनल पार्क है, भोपाल के बीचों बीच नेशनल पार्क है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बड़े तालाब के पास में है, राइट, आप बड़ा तालाब भी देख सकते हैं और वन विहार भी घूम सकते हैं। वही बड़ा तालाब जो इस समय समंदर जैसा लग रहा है। बिल्कुल,
देखिए अब जो ये आजकल की जो पीढ़ी जनरेशन आ रही है ना, बीमार पिता के साथ रखने से बेटे का इनकार, कहा वृद्धाश्रम भेज दो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। कितनी दुख की बात है कि एक माँ बाप अपने चार बच्चों को पाल सकते हैं और एक लड़का अपने माँ बाप को नहीं पाल सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को, इसीलिए पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी है ना, पूरी जुड़ी सब माँ पिता दादा दादी रहते थे कि बच्चे भी देखते थे कि हमारे मम्मी पापा अपने दादा दादी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, वही लक्षण अपने बच्चों पे आता था। अब हम लोग चूंकि अलग अलग फैमिली में रहते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो बहुत दुख की बात है कि हमारे भारत में जो कि इतनी अच्छी संस्कृत सभ्यता में जानी जाती है, वहाँ ऐसा देखने को मिलता है। सही बात है, तो ये सब ना करें कृपया करके। तो गणेश उत्सव स्टार्ट होगा, उसके बाद पितृपक्ष लगेगा, जितने भी हमारे जो हिंदू साथी लोग हैं वो अपने पितरों को मतलब अपने पूर्वजों को वहाँ पे उनकी पूजा करते हैं और इसीलिए पानी दे, और इसीलिए गया में इस बार बड़ा ही भयंकर भव्य तरीके से वहाँ पे एक जो तैयारी की गई है और टेंट सिटी लगाई गई है गया में, बिकॉज गया में जाके ही वहाँ पे उनको पितृ अर्पण किया जाता है। राइट, तो गांव गांव तक शराब पहुंचाने का जो हमको लगता है कि मुहिम चलाई जा रही है, इसी के तहत कि ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं खुल सकेगी शराब की नई दुकानें, मतलब ग्राम सभा में भी शराब की दुकानें खुलने की मतलब गांव गांव मांग रहे हैं। गांव गांव दवाई नहीं, मतलब दवा नहीं, दारू की जरूरत है। गजब है, कल जो हमारे सीजे आई थे, चीफ जस्टिस थे, उनका कल रिटायरमेंट हुआ और आज नए से चीफ जस्टिस यूयू ललित वो बनेंगे और 74 दिन में 492 संवैधानिक केसों का इनके ऊपर जिम्मा है। बहुत ही छोटा कार्यकाल इनका होने वाला है, उसके बाद दूसरे नए चीफ जस्टिस बनेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यूयू ललित जी। पोस्ट तो मिल गई। आजाद बोल है ना, जैसे आपको कल की खबरें सुनी होंगी कि आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ दी है और सोनिया के नाम की अध्यक्ष जरूरी फैसले राहुल या उनके सुरक्षाकर्मी पीए ले रहे हैं। मतलब अब कांग्रेस में रियल में माना जाए तो अब कोई भी पुराना नहीं है। बहुत अच्छे ये आजाद जी थे और ये चूंकि कश्मीर से थे, जब वही कांग्रेस छोड़ के चले आए तो कौन करेगा कांग्रेस पे विश्वास। और मज़ेदार बात यह है कि कल कांग्रेस इन्हीं के ऊपर ही हमला करती रही, कहाँ कांग्रेस की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो बीजेपी, बीजेपी इन सब चीज़ों को देखकर खुद ही मन मजा ले रही थी और मोदी जी ने सोच रहे होंगे कि एक डेढ़ साल पहले जो मैं सदन में आंसू बहाया था, आज उस आंसू की कीमत गुलाम नबी आज़ाद जी ने अदा कर दी। बिल्कुल। सो ये थी आज की लास्ट न्यूज़। So please like our video, please share the video and please comment on our video कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। And with this, thank you so much. Namaste.